चलिए, पहला सवाल, आप लोगों का पेपर कितने मार्क्स का आता है पता है क्या आप लोगों को? जो ग्रांट होता है, इंसेंटिव होता है और इनकम में ऐड होता है, वो ग्रांट नहीं होता, इंसेंटिव होता है और इनकम में ऐड होता है। करेक्ट करेक्ट। आप लोगों को पता है क्या आप लोगों का पेपर कितने मार्क्स का आता है बताओ, पता है क्या? एक सौ बीस मार्क्स का। करेक्ट, पूरा का पूरा मिला के आप लोगों का जो पेपर आता है वो 120 मार्क्स का आता है। सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी वेटेज दिया है इसका मतलब वो 120 मार्क्स का दिया हुआ है, हमें तो मुश्किल से 60 से 70 मार्क्स का ही आता है। तो 60 से 70 मार्क्स के ऊपर ही मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ, यानी ये जो 10 से 15% है ये उस 120 मार्क्स का है, हम इसका 12.5% लेंगे एवरेज। 15 मार्क्स का यहाँ से आता है, इसका मतलब फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क जिसमें गोइंग कंसर्न वगैरह, मटेरियलिटी, उन सब चीज़ों का डेफिनेशन है। आप पता नहीं, अरे आप लोगों का पेपर पैटर्न फिक्स है, 120 मार्क ही रहेगा, आप पता नहीं क्या होगा, आप लोगों का समझ में नहीं आता। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन 101, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1, मेजरमेंट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज 8, इनकम स्टेट, ये यहाँ तक के पूरा का पूरा आप लोगों का हो गया क्या? पहला वाला पार्ट 15 मार्क्स, यानी 15 मार्क्स ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या आ रहा है 15 मार्क्स के अंदर में? 15 मार्क्स के अंदर में आप लोगों को हम लोग फ्रेमवर्क पूछेंगे। इस बार फ्रेमवर्क से एक्सपेक्ट कीजिए मटेरियलिटी का डेफिनेशन, फ्रेमवर्क से, ठीक है। उसके अलावा 101, 1 और 8, ये सारे के सारे चैप्टर्स मिला के आपके रफली एवरेज में 15 मार्क्स पूछा जाता है। इनकम स्टेटमेंट 115, तो 120 का 12.5% अगर मैं पकड़ूं तो 15 मार्क्स रफली इसमें से पूछे जाएंगे एवरेज में, एवरेज में, ठीक है। फिर उसके बाद में आ रहा है आप लोगों का एसेट एंड लाइबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड्स 2, 16, 23, 36, 37, 38, 40, 41। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके हो गए एसेट एंड लाइबिलिटी बेस्ड, ठीक है। इसका वेटेड 20% है, 120 का 20%, 24 मार्क्स, 116 भी आ गया इसमें, 116 भी आ गया इसमें। फिर उसके बाद में देखिए इम्पैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर इंडियाज, यहाँ पे बाकी सारे के सारे इंडियाज हैं, यानी यहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले अगला वाला देखिए। अरे हाँ, 105 भी इसी में है, 105 भी इसी में है, करेक्ट करेक्ट। बिजनेस कॉम्बिनेशंस 103, 110, इनफैक्ट 28, 27, 111 भी इसी में है। तो 15%, 120 का 12.5%, 15 मार्क्स, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 32, 109, 15% सेम, 15 मार्क्स, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अभी हमने पढ़ा, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग CSR 120 का 7.5% रफली, 9 मार्क्स, 9 मार्क्स, ठीक है। चलिए अब देखिए, कभी भी हम एक बात मानते हैं कि जो सबसे इजी होता है वो सबसे पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अशॉर्ट मार्क्स है, वो अपने जेब में मार्क्स है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लोग बोलते हैं यार जो सबसे ईजी है वो एंड में पढ़ लेंगे ना, जो सबसे ईजी है वो एंड में पढ़ लेंगे, टाइम बचेगा तो पढ़ लेंगे, नहीं भी पढ़ा तो कौन सा फर्क पड़ा। ये आप लोग गलती करते हैं, जो सबसे ईजी है वो सबसे पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके अशॉर्ट मार्क्स है, एकदम शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर हमने अभी पूरा का पूरा खत्म किया, ठीक है। खैर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़ नहीं सकते जब तक कि आप बाकी के पूरे स्टैंडर्ड नहीं पढ़ते। इंडिया 19 के बारे में बात करते हैं, आप लोग जो बाकी के स्टैंडर्ड बोल रहे हैं वो सब यहाँ पे आ रहे हैं, 7, 10, 12, 19, 33, 34, 108 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है। सब यहाँ पे आ रहे हैं, टाइम पास चैप्टर वो पूरे के पूरे, जो ओशन है वो पूरा का पूरा उधर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी लिखते मत जाइए कि सर ये स्टैंडर्ड नहीं लिखा, ये स्टैंडर्ड नहीं लिखा, मेरे को पता है मैंने क्या चीज लिखा क्या चीज नहीं लिखा, नालायक बच्चे। रफली ये सबसे इजी पार्ट है इसमें से, इनफैक्ट ये दोनों चैप्टर्स में से हर अटेम्प्ट में एक थियरी क्वेश्चन तो आता ही आता है। आप लोगों ने तो इस कोर्स की शुरुआत ही यहीं से करनी चाहिए, ये कोर्स की शुरुआत आपकी ये दो चैप्टर्स पढ़ के करनी चाहिए, और ये तो दोनों चैप्टर्स आपके इतने थरो होने चाहिए कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा तो मेरे को वर्ड टू वर्ड पता है कि मेरे को क्या लिख के आना चाहिए। यहां आपके 5 मार्क्स अश्योर हो जाते हैं, ये दोनों में से आया तो 5 से 6 मार्क्स पक्का आएंगे। फर्स्ट स्टेप आपको ये दोनों पढ़ना है, सबसे पहला स्टेप 6th और 7th चैप्टर को पढ़िए, फर्स्ट स्टेज पे ही आपके 5 मार्क्स पक्के कर रहे हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी पे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया मैं उस हिसाब से चलता हूं,
मैंने आप लोगों को ये वाला चैप्टर पहले पढ़ा है, ये वाला चैप्टर पहले पढ़ा है, ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट वाला चैप्टर पहले पढ़ा है, और उसके अलावा मैंने लीजर्स पढ़ा है क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, और एक 102 पढ़ा है जो कि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो इस पार्ट से, ये वाले पार्ट से। तो 120 का 17.5% कुछ 21 मार्क्स हो रहा है, ठीक है। अपने मार्क्स का टोटल कितना हो गया, 15 15 24 21, 15 15 9, 114 मार्क्स का टोटल हो गया रफली हमारा अभी तक के, पूरा का टोटल आप देखेंगे तो 114 मार्क्स का रफली टोटल हो चुका है हमारा, तो हम 100 मार्क्स से ऊपर ही है। तो मेरे हिसाब से एक मुझे पता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है। और मुझे पता है मैंने जो कंटेंट पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आएगा, किसी प्रकार का आप नया क्वेश्चन एक तरह से फ्रेम नहीं कर पाओगे अभी एटलीस्ट, अभी एटलीस्ट, ठीक है। हाँ, जैन 21 में पूछ लिया गया था तो एग्जैक्टली मैं इतनी ज्यादा अश्योरिटी से बात बोल तो रहा हूँ, पर इतनी ज्यादा अश्योरिटी है नहीं देखा जाए तो कंपेरेटिवली, ठीक है। हाँ, पर बहुत ज्यादा ऑल्टरेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 115 से रिपीट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, जैन 21 भी देखिए, तो 115 से रिपीट क्वेश्चन आया था, ठीक है। कंसोलिडेशन भी नवंबर 20 में नए तरह का क्वेश्चन आया था, पर अगर आप एग्जाम जैन 21 की बात करेंगे तो कंपेरेटिवली रिपीट ही क्वेश्चन था, ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड से इन्होंने नए क्वेश्चंस बना दिए थे, ठीक है। तो रफली 115 शॉर्ट शॉर्ट है, मुझे पता है कि आना ही है, ठीक है। कंसोलिडेशन मेरे को पता ही है कि आना ही है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मुझे पता ही है कि क्वेश्चन आना ही है। आप अपने इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स देखिए, ये तीन चैप्टर्स के कितने पेजेस है वो देखिए, और बाकी सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम पिछले 15 दिन से पढ़ रहे हैं, ये 21 मार्क्स के लिए हम पिछले 15 दिन से पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 21 और 24 इनफैक्ट, पिछले 15 दिन से अगर आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी का पूरा पोर्शन, ये कंपेरेटिवली नंबर ऑफ पेजेस आर वेरी लेस, नंबर ऑफ कंसेप्ट आर वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस। कितने सारे कंसेप्ट पढ़े और आपको उनमें से कितने कंसेप्ट याद है, तो मैंने अभी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख लिए थे। वो वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट याद करना बहुत आसान है, ये वाला पार्ट याद करना कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है। इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप लोग इनकम रिकॉग्निशन, कंसोलिडेशन एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रायोरिटी में कीजिए, प्रायोरिटी में कीजिए, ठीक है। यानी कि अब रैंकिंग 2 3 और 4 आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। इसके अंदर में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, पहला आता है इनकम स्टेटमेंट, इनफैक्ट मैंने रैंकिंग को फिर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, मेरी एक और गलती हो गई यहां पे, रुकिए, 3 4 5, 2 मैंने नहीं बताया, थोड़ी देर में बताता हूं। इसके अंदर में एक तो इनकम स्टेटमेंट वाला चैप्टर आया आपका, 2 का 4th वाला पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 3rd वाला चैप्टर आया ग्रुप अकाउंटिंग वाला, और 4th वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आया। सर, इनमें से हम कोई छोड़ सकते हैं क्या, वेरी कॉमनली आस्क क्वेश्चंस बाय द स्टूडेंट्स, ये तीनों में से कोई एक छोड़ दो, डिसाइड कर लो कौन सा छोड़ना है, पर जो बाकी के दो है वो पूरे तरीके से करो। मैं बताता हूँ आप लोग क्या करते हैं, या तो आप कंसो छोड़ते हैं या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ते हैं, एक छोड़ देते हैं, और जो बचे हुए दो है वो भी पूरे नहीं करते आप लोग, उसमें भी कुछ ना कुछ खा जाते हैं, उसमें से भी कुछ कंसेप्ट ऐसे रहते हैं जो आप लोग पढ़ते ही नहीं है। जैसे एम्बेडेड डेरिवेटिव छोड़ दोगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हो, कंसोलिडेशन पूरा छोड़ दिया और एम्बेडेड डेरिवेटिव छोड़ दोगे, अब एम्बेडेड डेरिवेटिव में से क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे। हेजिंग, ठीक है, हेजिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट क्वेश्चन ही नहीं पूछता, इनफैक्ट इस बार एमटीपी में उन्होंने हेज का भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो इंस्टीट्यूट ने अब हेज भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो कंसोलिडेशन जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन छोड़ देते हैं, कंसोलिडेशन वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, या कंसोलिडेशन वाला बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, कंसोलिडेशन वाला पार्ट छोड़ देते हैं, एसोसिएट छोड़ देंगे या जेवी छोड़ देंगे, बाकी पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, एसएफएस वाला पार्ट छोड़ देंगे, मतलब ऐसा नहीं होता, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पूरे तरीके से पढ़िए, उसमें से कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनटच्ड है, यानी जो पढ़ रहे हैं वो पूरा पढ़िए, या फिर तीनों के तीनों पढ़िए, अगर कुछ कुछ छोड़ रहे हैं तो तीनों के तीनों पूरा का पूरा पढ़िए, ठीक है। जैसे 115 में बहुत सारे लोग वो पुट ऑप्शन वाला, सेल एंड लीज बैक वाला पार्ट, वो वाला छोड़ देते हैं, सेल एंड लीज बैक मतलब वहां पे भी एक है ना, मैंने सामने वाले को एसेट लीज पे दे दिया, ठीक है, वो वाला, ने पहले खरीदा और फिर उससे लीज पे दे दिया, या बेचा और उससे वापस लीज पे ले लिया, वो वाला कंसेप्ट वहां पे भी पढ़ा था हम लोगों ने, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन वाला पार्ट था, वारंटीज वाला पार्ट था। इंडिया 115 में मैं अभी भी जानता हूँ आप लोगों को लाइसेंसिंग वाला जो पार्ट है, लाइसेंस हम जब सामने वाले से लेते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, और कई सारे स्टूडेंट ने वो पार्ट छोड़ा भी है। तो ये वो पार्ट्स है जो पार्ट्स के ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, मतलब क्यों, कोई चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए ना, ऐसा आधा अधूरा मत पढ़िए, बात समझिए, आपने जो पार्ट छोड़ा है वही आ गया तो क्या करोगे, फिर तो फेल होना शॉर्ट हो जाता है।
सेकेंड वाला पार्ट क्या था? सेकेंड वाला पार्ट ये था, ये वाला। इसके अंदर 101, एक और आठ और फ्रेमवर्क से इतना सा पार्ट है। इसमें से 101 मैं मानता हूँ थोड़ा ट्रिकी है, पर 101 में भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो देखने के लिए बोला था। वो वाला वीडियो अगर आप लोग देखते हो ना, हम लोग जब 101 पढ़ेंगे तो 101 में सिर्फ एग्जेम्पशन एंड एक्सेप्शन की बात की है। और उसमें उसने क्या बोला है, पूरे 101 में एक ही बात बोली है उसने, आप एडजस्टमेंट कीजिए, आप ये वाली वैल्यू कंसिडर कर लीजिए। एग्जेम्पशन बोलता है कि आप ये वाली वैल्यू कंसिडर कर लीजिए और डिफरेंस को रिटेन अर्निंग में डाल दीजिए। सारे एक्सेप्शन एक ही तो बात करते हैं, सारे एक्सेप्शन, इनफैक्ट 90% ऑफ द एक्सेप्शन बोलते हैं फेयर वैल्यू ले लीजिए और डिफरेंस को रिटेन अर्निंग में डाल दीजिए, रिटेन अर्निंग में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपकी सेकेंड प्रायोरिटी है, ये वाला पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड वाला अप टू थर्ड वाला, फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला, वन टू थ्री, ठीक है। ये आप लोगों की सेकेंड प्रायोरिटी, यानी ये दोनों चैप्टर्स तो सभी लोगों को करना ही है, ये दोनों नहीं छोड़ना है। इसमें से 101 कई सारे लोग छोड़ते हैं, 101 बहुत ईजी है, मतलब ईजी टू अटेम्प्ट है एटलीस्ट एग्जाम में। 101 के कंसेप्ट आपके नहीं भी क्लियर है तो भी आप 101 के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं 101 में ऐसा स्पेशल, इतने एक्सेप्शन है। क्वेश्चन बोलता है क्या हम ये एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं, जवाब हाँ ही होगा, 90% ऑफ द केसेस आपका जवाब हाँ ही होगा। बोलेगा डिफरेंस कहाँ डालना है, रिटेन अर्निंग में डाल दो, रिटेन अर्निंग में डाल दो, और कुछ आता ही नहीं है 101 में। खैर 1 और 8 तो कंपेरेटिवली ईजी है, तो पार्ट ऑफ दैट इज वेरी ईजी टू रीड, ठीक है। ये तीन में से आप लोग अगर, अब यहां तक के अगर मैं बोलूं तो ये कितना हुआ, ये 5 मार्क्स हो गया था, दूसरा वाला पार्ट आप लोगों का 15 मार्क्स हो गया था, ठीक है, 15 मार्क्स हो गया था। अभी मैं पूरे के पूरे मार्क्स लिख रहा हूं जितने भी थे। तीसरा वाला पार्ट 15 मार्क था, 15 मार्क्स था, उसके बाद यहां पे 15 और 15, 15 मार्क्स और 15 मार्क्स। तो यहां तक के देखिए आप लोग, 5 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 इज 65 मार्क्स। अगर मैं इतना ही पढ़ लूँ, आप लोग बोलते हो ना एग्जाम में 60 से 70 मार्क का ही अटेम्प्ट हो पाता है, मैं सिर्फ इतना सही पढ़ लूँ तो मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं इतना सा पार्ट निकले, मतलब क्या डिफिकल्ट क्या है इसके अंदर में, इतना सा पार्ट पढ़ना इज वेरी इजी। अब अगर आप बोलते हो नहीं सर मुझे इन तीन में से एक पार्ट छोड़ना है, छोड़ दीजिए, आप तीनों नहीं छोड़ सकते, तीन में से एक पार्ट आपको छोड़ना है, आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा छोड़ना है, पर बचे हुए दो पार्ट आपको पूरे पढ़ने हैं। सिक्स्थ प्रायोरिटी में ये एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स पढ़िए, क्योंकि इसका वेटेज 24 मार्क्स है और ये कंपेरेटिवली ईजी है, अगर आप देखेंगे 2, 16, 38, 40 एक जैसी बातें करेंगे, स्टैंडर्ड नंबर 2, स्टैंडर्ड नंबर 16, स्टैंडर्ड नंबर 38, स्टैंडर्ड नंबर 40 एक जैसी बातें करते हैं। स्टैंडर्ड नंबर 23 इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम लोगों ने देखा बोरिंग क्वेश्चन, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। 36 इज डिफिकल्ट मैं मानता हूँ, 116 इज डिफिकल्ट मैं मानता हूँ, पर 116 से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 105 हम लोग देखेंगे, 36 और 105 एक जैसे हैं, यानी आपने 36 समझ गए तो आपको 105 समझ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फिर उसके बाद में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जरूर कीजिए, ये वाला पार्ट नेक्स्ट प्रायोरिटी में आता है क्योंकि इसका 24 मार्क्स है। एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड क्या नंबर था इसका, 5, 2, 5, 2, 5, ये सीधा आपके 24 मार्क्स बनते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट वाला पार्ट आता है जो मैं सब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ छोड़ दिया करो, पढ़ाई मत करो, 6, 7, 8। अब इसमें से 102 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसका शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, पक्का है कि 102 का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो 5 से 8 मार्क का आता है, तो वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ये 65 के साथ में आप ये लोग 5 मार्क ऐड कर दीजिए, 70 मार्क्स, तो वो तो शॉर्ट शॉर्ट है, वो आएगा ही आएगा। ये 24 मार्क्स में से 16 का क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट है आएगा ही आएगा, 116 का क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट है आएगा ही आएगा, ये दोनों फिक्स है, इन दोनों में से एक का तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो रफली 16 से 4 से 8 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे तो 8 से 12 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर भी 116 नहीं करना है आप एक्सेप्ट छोड़ सकते हैं। मतलब अभी तक क्या आप लोग क्या क्या छोड़ सकते हैं, आप देखिए मैंने आपको क्या कहा, लास्ट वाला पार्ट आप पूरा छोड़ सकते हैं, 12, 33, 38, अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं आप सब छोड़ सकते हैं। इनफैक्ट मैंने आखिरी वाला पार्ट पूरा खत्म ही कर दिया ऑलमोस्ट, बचा गया मेरी तरफ से, मेरी तरफ से 2 बचा है जो एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड है, 36 बचा है, 38 बचा है एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड है, 105 बचा है एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड से, मेरे एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड ही बचे हैं, ये वाला पार्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया। पर आप सोचिए कितना कुछ था और आप लोगों को कितना याद है उसमें से, दिक्कत है इसको याद रखने में बहुत ज्यादा, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं इसके ऊपर कभी भी नहीं बोलता कि आप लोग बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, और मैं पढ़ाता भी इस पार्ट को बहुत स्पीड से हूँ। आप देखिए ऊपर वाला पार्ट मैंने कितना स्लो पढ़ाया था और ये वाला पार्ट मैंने कितना फास्ट पढ़ाया था, ठीक है। तो इतना रेलिवेंट नहीं है इसीलिए नहीं पढ़ाता, क्योंकि इतना याद भी नहीं रख सकते आप लोग। हाँ रैंक लाना है तो बात अलग है, रैंक के लिए अलग है, मैं एग्जेम्पशन की तैयारी आप लोगों से करवा सकता हूँ फास्ट ट्रैक बैच के अंदर, फास्ट ट्रैक बैच के अंदर मैं एग्जेम्पशन की तैयारी के बेसिस पर सोच रहा हूँ। ये वो स्टैंडर्ड है जिसमें एक भी मार्क्स नहीं कट सकता, मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे, मिलेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो 102 के पूरे मार्क्स देखिए, ऊपर के पार्ट में से मैंने क्या कहा,
अगर आप इन तीनों में से कोई एक छोड़ देते हैं तो छोड़ दीजिए। एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड पढ़िए, बहुत इजी है एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स। ओवरऑल अगर आप मार्किंग स्कीम देखते हैं कि ऊपर 60 में से आपको 40 भी अगर मिल जा रहे हैं, ऊपर का ये जो 65 मार्क्स है इसमें से अगर आपको 40 मिल जा रहा है, इंच ये जो आपका शे बेस पेमेंट है इसके अगर मैं 5 मार्क पूरे पकड़ लूँ, यहाँ तक क्या पास हो गए। और ये जो एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स है 24 मार्क्स वाले, 24 मार्क्स वाले, इनमें से ये वाले अगर आप तैयार कर लेते हैं और इनमें से अगर आपने 10 मार्क भी एक्स्ट्रा स्कोर कर लिया है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरे फुल 10 on 10, वैसे तो पूरे के पूरे मिलेंगे अगर आपने 10 मार्क का भी डॉट अटेम्प्ट किया, तो एग्जेम्पशन तो बहुत ईजीली आता है। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है, वैसे ही हमने हर चैप्टर को 50% कवर किया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर चैप्टर को हमने 50% कवर किया, उतना पार्ट अगर आप पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं तो क्या मुश्किल है यहाँ पे 60 मार्क्स कवर करना। आप खुद बताइए, मुझे बताइए जमता है नहीं जमता है। तो 1912 के बाद हुई थी सर, वो लाइबिलिटी वाला है ना, 24 मार्क वाले में आएगा। नहीं, 19 इज नॉट लाइबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड, वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स लाइबिलिटी में नहीं आता है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स डर है कि टू दो इंड एयर्स जब कंबाइन आएंगे तब क्या होगा, तो उसके बारे में भी मैंने बहुत कुछ बताया। और उर्वशी जी, Jan 21 में 10 मार्क्स CSR एंड इंटीग्रेटेड में आया था। देखो मैंने तो आप लोगों को बोला ही था ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गलती के मार्क्स भी काट देना। हाँ, तो मैं फुल मार्क्स वैसे ही नहीं पकड़ रहा हूँ, फुल मार्क्स मैं नहीं पकड़ रहा आपके, लीज भी फिक्स है। करेक्ट सर, शॉर्ट में समझ गए सब सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। नहीं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। AIR इतनी मेहनत कर रहे हो तो भी पेपर क्यों मंगवा ले लेते हैं, ऑल क्लियर हो जाता है। AIR इतनी मेहनत कर रहे हो तो भी क्यों पेपर भी मंगवाना ही लेते हैं। अच्छा, AIR इतनी मेहनत करके भी पेपर मंगवा लेते हैं, ऐसा बोल रहे हो आप। हाँ सर, जमता है। EPS भी आता ही है। नहीं, अशोर्ड नहीं है पुनीत जी, पिछले 2 अटेम्प्ट में दिख रहा है EPS। EPS हर बार नहीं आया है, EPS हर बार नहीं आया है। सर्विस एग्रीमेंट छोड़ा, वानी जी का कहना है सर्विस एग्रीमेंट इतना आसान है। वानी जी, दो ही है, या तो फिक्स कंसिडरेशन मिल रहा है या वेरिएबल। वेरिएबल है तो इंटेंजिबल एसेट, फिक्स है तो फाइनेंशियल एसेट। इतना आसान है वानी जी, क्यों छोड़ना है उसको। ठीक है, एक में कौन सा टॉपिक कवर होता है, वन में कौन सा टॉपिक कवर होता है, बता तो दिया। EPS जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन को समाधान नहीं दिखते। हाँ, बहुत बढ़िया जयशंकर जी। आपका CSR इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पे वीडियो है? नहीं, मेरा नहीं है। अरे बहुत इजी चैप्टर्स है, खुद CSR तो लॉ में पढ़ा था, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग खुद पढ़ो। ठीक है, तो ये होपफुली नहीं है। देखो अभी भी आप लोग यही बोल रहे हो सर होपफुली आ सकता है, पॉइंट क्या है कि आप लोग रैंडमली पढ़ते हो, आप लोग कोई भी चैप्टर उठाते हो पढ़ना शुरू कर देते हो, आप लोग मार्किंग स्कीम के हिसाब से पढ़ते नहीं हो। अगर आप मार्किंग स्कीम से हिसाब से पढ़ो तो आप बहुत कुछ छोड़ सकते हो। मैंने जितने रैंक्स दिए इनमें से मैंने क्या कहा, 2 रैंक्स 7 रैंक्स है, 7 में से 2 रैंक्स तो आप इजीली छोड़ सकते हो। आप 5th रैंक तक अगर पूरा पढ़ रहे हो तो 6th और 7th पूरा छोड़ सकते हो। हाँ, 7 में से 102 कर लेना, 7 में से 102 कर लेना। ठीक है, तो 6th और 7th रैंक पूरे तरीके से छोड़ सकते हो। अगर आप ये 3 4 5 में से कोई एक छोड़ रहे हो, 3 4 5 में से कोई एक छोड़ रहे हो, तो फिर मैंने आप लोगों को बोला कि आप 4 करो, 7th वाला रैंक आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। 7th वाला रैंक तो मैं सभी को बोलता हूँ छोड़ दो, ये काहे को पढ़ते हो आप लोग, फालतू है, वेस्ट ऑफ टाइम है 7th वाला रैंक। ठीक है, तो आप देखिए ना, आप लोग स्मार्ट स्टडी नहीं करते, आप लोग स्मार्ट स्टडी नहीं करते। अब आप बोलते हो कि नहीं मेरे को सर ऊपर में 2 चैप्टर छोड़ने, मैं कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 2 चैप्टर छोड़ना चाहता हूँ। आपने ऐसा डिसाइड कर लिया, आपने अपना मन बना लिया, आपने से कई लोगों ने मन बना के रखा है, ये मैं जानता भी हूँ। ठीक है, वो 21 डे प्रैक्टिस जो जीतू भैया वाला वीडियो डाला है ना, उनमें बहुत लोग आप में से ध्यान नहीं देते, तो फिर ये 7th वाला ये पढ़ो पूरा का पूरा, फिर करना पड़ेगा ये पूरा का पूरा, समझ रहे हो। फिर सारे के सारे चैप्टर्स करो, 12 करो, 19 करो, 23, 23 पे कहाँ है, 24 करो, रिलेटेड पार्टी वाला 108 करो, सब कुछ पढ़ो फिर उसके बाद में 7th वाले में। ठीक है, अब आप डिसाइड करो, वीडियो अवेलेबल करा दो प्लीज। अरे क्या करोगे, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग खुद पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आपके उसमें भी है, SCMPE में भी है। मैं इसीलिए नहीं पढ़ाता हूँ, दूसरे टीचर्स पढ़ा देते हैं, मैं काहे को मेहनत करूँ ना, इसीलिए इसी स्ट्रेटेजी पे पढ़े हैं। ठीक है, तो अब ये क्लियर है पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम के साथ में। ये मैंने इतना लेट क्यों बताया, क्योंकि अब तक के आपको आइडिया आ गया कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है कौन सा नहीं। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मार्किंग स्कीम पहले बता देता हूँ तो यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं, नहीं कंसोलिडेशन वगैरह छोड़ देंगे, फिर जब ये वाला पार्ट आता है ना तो बहुत भारी पड़ता है। अब ये वाला पार्ट पूरा हो गया, आपको पता है कि ये कितना बेकार पार्ट था आखिरी वाला पार्ट, इसलिए मैं मार्किंग स्कीम कभी भी एंड में बताता हूँ। चलो एंड करें ये वाला वीडियो, सेक्शन 135 एंड स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर लें, उसी में आएगा क्वेश्चन। ओके, एंड करूं?
हाफ ऑफ दिस इज कवर्ड स्टिल फील्स फियर। अब मैं बताता हूँ ना जयशंकर जी, आपने जो हाफ कवर किए ना वो कैसे कैसे कवर किए मैं बताता हूँ। आपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़ा, उसमें से कुछ पार्ट छोड़े। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा, कुछ पार्ट छोड़े। कंसोलिडेशन पढ़ा, कुछ पार्ट छोड़े। ये जो आखिरी वाला पार्ट है, इसके आधे चैप्टर्स के जो हार्ड वाले 33 वगैरह हार्ड वाले थे तो वाले छोड़ दिए, ठीक है। एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स इजी वाले कर लिए, हार्ड वाले छोड़ दिए। तो ऐसे आप लोग आधा कोर्स खत्म करते हो, यानी सेक्शन वाइज पूरा कोर्स नहीं खत्म करते। जो सेक्शन पढ़ रहे हो वो सेक्शन पूरा पढ़ा, ऐसे नहीं पढ़ते आप लोग। आप लोग क्या पढ़ते हो, सब कुछ हर सेक्शन से आधा 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 पढ़ते हो, और पेपर आ जाता है बचे हुए आधे से जो पार्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो नालायक को ऐसे पढ़ोगे तो फिर कैसे पास होगे, ऐसे पास नहीं हो सकते ना। गलती समझ रहे हो आप लोग, गड़बड़ कहाँ करते हो। हर चैप्टर आधा 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 पढ़ लेते हो, यानी ऐसा नहीं कि जो सेक्शन पढ़ रहे हो सेक्शन पूरा पढ़ना है, ऐसे पढ़ाई नहीं करते ना आप लोग, वही तो दिक्कत है। चलो अभी एंड करूं, ये वाला पार्ट एंड कर लेते हैं। एक शीट है भेजता हूँ। हाँ भाई, ये ग्रुप में ही भेज देना वो शीट को, सभी स्टूडेंट का भला हो जाएगा। चलो एंड कर रहा हूँ।